पोको M2 Pro ये स्मार्टफोन कल इंडिया मार्केट में लॉन्च हुआ और डेफिनेटली इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको YouTube पे भर भर के देखने को मिलेगी और नो डाउट आपने वीडियोस को देखा होगा, एंजॉय भी करा होगा। बट मैं यहाँ पे अपने ऑनेस्ट असली सच बताऊंगा पोको M2 Pro का कि मुझे ये स्मार्टफोन कैसा लगा, क्या ये स्मार्टफोन को लॉन्च होना चाहिए था या फिर नहीं, यानी कि एकदम पर्दाफाश होने वाला है पोको M2 Pro का। तो वीडियो को एंड तक देखना, आई होप यू विल एंजॉय। तो ही दोस्तों, मेरा नाम है गुरमीत, आप देख रहे हैं क्रेटेक, वेलकम टू दिस अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो यहाँ पे जल्दी से बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन कुछ फीचर्स के बारे में एंड उसके बाद मैं शेयर करूंगा अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन रिगार्डिंग पोको M2 Pro। तो अगर यहाँ पे डिजाइन से शुरू करें तो डिजाइन यहाँ पे आपको काफी हद तक सेम लगेगा या फिर इंस्पायर लगेगा Redmi Note 9 सीरीज से। यहाँ पे सेम कैमरा कट आउट है, सेम कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इवन यहाँ पे आपको सेम 6.67 इंच की फुल HD IPS LCD नॉर्मल 60Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो पोको M2 Pro का जो डिजाइन है उसमें आपको माइनस से चेंजेस देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू Redmi Note 9 सीरीज। इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 720G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है विद एड्रीनो 618 GPU के साथ। ये गेमिंग प्रोसेसर है जो कि 8nm टेक्नोलॉजी पर बेस है, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो नो डाउट जो ये प्रोसेसर है काफी अच्छा है, आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। पोको M2 Pro में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है विद 48 मेगापिक्सल मेन सेंसर, जिसमें बताया जा रहा है कि आपको सोनी का MX586 वाला सेंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है विद 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ, जो कि आपको काफी अच्छी वाइड पिक्चर प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा फॉर क्लोजर शॉट्स एंड 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे डेप्थ सेंसर है। और इन सब के साथ साथ आपको 16 मेगापिक्सल का इन स्क्रीन सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलने वाला है। तो अच्छे खासे कैमरास आपको पोको M2 Pro में देखने को मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पे बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ, विच इज ग्रेट कि यहाँ पे हमें 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग बॉक्स से अंदर ही देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 होगा विद पोको लॉन्चर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है और सभी कॉमन फीचर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ फीचर है जो कि आपको पोको M2 Pro में देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करें मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की, पोको वी ऑल नो कि अब ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांड है, बट जो स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है सीरियसली उसमें इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। पोको F1 क्रीट स्मार्टफोन, पोको X2 रीब्रांड ऑफ रेडमी K30, अब ये लॉन्च हुआ है पोको M2 Pro जो कि एक तरह से रीब्रांड है रेडमी नोट 9 प्रो का, क्योंकि इसमें आपको ज्यादातर सेम फीचर देखने को मिलते हैं जो कि आपको रेडमी नोट 9 प्रो में देखने को मिलते हैं, कैमरा से लेकर डिजाइन, प्रोसेसर, इवन यहाँ पे आपको डिस्प्ले साइज भी सेम देखने को मिलता है। बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, वो है फास्ट चार्जिंग का। पोको M2 Pro में आपको 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है और वहीं जो Redmi Note 9 है वहां पे आपको सिर्फ 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। बाकी सेम फीचर है, बस पोको की ब्रांडिंग चिपका के एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जो कि है पोको M2 Pro। हाँ, एक अच्छी बात है, भले ही पोको रीब्रांड करके स्मार्टफोन्स को लॉन्च करता है बट जो इनकी प्राइस निकल के सामने आती है वो काफी कमाल की होती है और कुछ ऐसा ही हुआ है पोको M2 Pro के साथ। भले ही Redmi Note 9 Pro का एक तरह से रीब्रांड है बट जो प्राइस निकल के आया वो काफी कमाल का है। ये इंडिया में 14,000 पे लॉन्च हुआ है जो कि एक अच्छा प्राइस है और काफी कमाल के फीचर्स आपको 14,000 रुपए में देखने को मिल जाते हैं। तो प्राइस आई विल से काफी कमाल का है, अगर आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है पोको M2 Pro में। इन द एंड पोको से यही कहूंगा कि यार आप एक इंडिपेंडेंट ब्रांड है तो इंडिपेंडेंट रह के काम करें, यानी कि यूनिक डिजाइन, यूनिक फीचर के साथ एक यूनिक स्मार्टफोन्स को लॉन्च करें जिसको आई थिंक पब्लिक ज्यादा परचेज करेगी, क्योंकि वो एकदम टोटली अलग स्मार्टफोन होगा। अगर आप किसी का रीब्रांड करेंगे तो उसमें ज्यादा मजा नहीं आता है। बस यही कहूंगा कि अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च करें एकदम यूनिक डिजाइन, जो मैंने बोला है बोल दिया। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग क्रिएटिव टेक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।